नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे वेदांता के स्टॉक के बारे में। देखिए कल मैंने एक इस पे डिटेल वीडियो बनाई थी इसके डेट को लेकर, जहां पे जितनी भी खबरें हैं जो भी न्यूज थी डेट को लेकर सब कुछ शेयर करा, कंपनी पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है कितना नहीं पड़ सकता है, क्या चल रहा है इस समय सब कुछ। एंड कंपनी ने यह भी कहा था कि अप्रैल मंथ के जितने भी इनके लोन्स हैं उसकी मैच्योरिटी को ये कंफर्टेबली टैकल कर देंगे। और वही आज अपडेट आई है, कंपनी ने कहा है कि उन्होंने सारे अप्रैल के लोन्स बॉन्ड्स जितने भी ड्यू थे जो भी मैच्योर हो रहे थे उन सबको पे कर दिया है। और यही कंपनी की आज की अपडेट थी। देखिए कंपनी ने कहा है कंपनी रिसोर्सेज पेड ऑल मैच्योरिंग लोन्स बॉन्ड्स ड्यू अप्रैल 2023 ईटी नाउ एंड ब्लूमबर्ग की तरफ से आपके लिए अपडेट आती हुई दिखी है। इसी के साथ कंपनी ने अपने ग्रॉस डेट का अपडेट भी दिया है। कंटिन्यू करंटली जो ग्रॉस डेट रह गया है कंपनी पे वो 7.8 बिलियन डॉलर से घटकर 6.8 बिलियन डॉलर पे रह गया, यानी कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन डॉलर का कंपनी ने डेट रिड्यूस कर दिया, यानी 100 करोड़ डॉलर का डेट कंपनी रिड्यूस ऑलरेडी कर चुकी है। अगर आप इसे 100 करोड़ डॉलर को करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो आप डॉलर को भी डॉलर में भी कर सकते हैं इसे कन्वर्ट, ठीक है। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आते हुए दिखी है। तो ये तो पहले तो गई निवेशकों के लिए अच्छी खबर। भैया जो सोच रहे थे कि अदानी जैसा हाल हो सकता है या फिर डेट को लेकर ज्यादा चिंताएं हैं, तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। वेदांता ने आराम से टेंशन फ्री होकर सारे डेट अपने चुका दिए अप्रैल मंथ के। अब आते हैं स्टॉक के ऊपर कि स्टॉक कैसा दिख रहा है, क्या करना चाहिए। तो 26 अप्रैल यानी परसों कंपनी की अर्निंग्स आनी है। अगर सोच रहे हो कि भाई डिविडेंड भी आएगा तो गलत सोच रहे हो, डिविडेंड नहीं आने वाला है। कंपनी इस बार कोई डिविडेंड नहीं देगी रिजल्ट्स के साथ साथ, क्योंकि अभी आपने देखा हिंदुस्तान जिंक ने भी रिजल्ट्स पेश करे, कोई डिविडेंड नहीं दिया था। सेम वेदांता भी कोई डिविडेंड नहीं देने वाली है। 275 रुपीज के लेवल पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है आज के सेशन में। चार्ट पैटर्न की बात करें तो कुछ है ही नहीं स्टॉक में, वही चार्ट पैटर्न जो पहले था। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करा था कि इस स्टॉक में आपके लिए एक रेंज प्ले हो रही है, और उस रेंज में जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा इस स्टॉक को कुछ भी ना करें। अब रेंज क्या है, देखिए वन साइड स्टॉक करेक्ट हुआ था 315 रुपीज से 16 फरवरी को, वहां से गिरते गिरते स्टॉक ने लो लगाया 268 रुपीज का। उसके बाद शार्प बाउंस हुआ 289 तक, और उसके बाद की जर्नी आप देख लीजिए, यानी कि 3 मार्च के बाद की जर्नी देखिए 265-270 नीचे में है, 285 से 287 ऊपर में है। इसके ऊपर या इसके नीचे स्टॉक जाने के लिए तैयार नहीं है। तो पहली सिचुएशन उनके लिए कि भाई मेरे पास ऑलरेडी है, मैं क्या करूं। तो आप एक स्ट्रिक्ट एसएल बना लीजिए अपने पास 265 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक 265 का लेवल स्टॉक ब्रेक नहीं करता है आपको बने रहना है, और ऊपर में 287-85 के आसपास स्टॉक आएगा तो आपको प्रॉफिट बुक करना है अगर आप ट्रेडर हो तो। अगर आप निवेशक हो तो क्या करें, तो आप पहले तो अगर स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते तो कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म पर्पस से वेदांता इज ओके, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो अपने लेवल पे तो 265 का क्लोजिंग बेसिस पे होगा, थोड़ा डीप जाना चाहते हो तो 260 का क्लोजिंग बेसिस पे रख लीजिए, ठीक है, वेदांता के स्टॉक में। और ऊपर में 320 रुपए के समथिंग आपको जब भी मिले तो आप प्रॉफिट बुक करें। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो क्या करें, तो ट्रेडिंग व्यू है तो 270-68 के आसपास खरीदो, 265 यानी 2-3 से 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, 275-280 के दो टारगेट रखो और बुक करो, यानी कि डिप्स में खरीदना है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस से स्टॉक को खरीदना चाहते हो 270 पे पहला इंस्टॉलमेंट डालो, यानी कि टोटल एक्स अमाउंट है उसका आप 40% डाल दिया 270 पे, बचा हुआ 60% के लिए वेट करोगे। 260 ब्रेक होता है तो 244-240 तक जा सकता है, वहां अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट डालोगे आप 20% एक्स्ट्रा, बचा 20% उसको होल्ड करोगे, जब रिवर्सल आएगा तब डालोगे। इस तरीके से आपको इस स्टॉक में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने चाहिए, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। अब आते हैं स्टॉक के थोड़े से वैल्यूएशंस फंडामेंटल्स के ऊपर कि कैसा दिखता है। तो नो डाउट ये स्टॉक मैक्सिमम लोग जो होल्ड करते हैं या बाय करके रखा है उन्होंने इस स्टॉक को डिविडेंड के लिए लेकर रखा है। और जब तक एक डील होनी है हिंदुस्तान जिंक और वेदांता के बीच में, वो डील जब तक नहीं होगी आप बने रहिए, डिविडेंड आता रहेगा, लेकिन जिस दिन वो डील हो जाए आप छोड़ देना। डील ये कि हिंदुस्तान जिंक वेदांता का इंटरनेशनल जिंक बिजनेस जिस दिन खरीद लेगा, ऐसी खबर आ जाएगी, उस दिन आप वेदांता का शेयर बेच देना, ठीक है। 275 के लेवल पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 7.15 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है, 146 की बुक वैल्यू है जिसके सामने ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स पे ट्रेड करता है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 32%,
डिविडेंड यील्ड इसके जैसी शायद इस समय बाजार में कोई रखता ही नहीं है, 37% की डिविडेंड यील्ड, तो बहुत ही ज्यादा शानदार डिविडेंड यील्ड है कंपनी ने जो पेश कर रखा है अभी पिछले कुछ सालों में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर 68% ओन करते हैं, FII 8% ओन करते हैं, DII 10%, पब्लिक के पास 13.5% का स्टेक है करंटली, और ये स्टेक लास्ट क्वार्टर के सामने 11% से बढ़कर आया, यानी कि पब्लिक का स्टेक बढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं घटा भी होगा। तो घटने में पहला नाम तो मुझे DII इसका दिख रहा है, जहां 11% से घटकर 10% रह गया, दूसरा नाम प्रमोटर से 69.68% से घटकर 68% का करंटली रह गया। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वेदांता के स्टॉक के ऊपर एक अपडेटेड वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।